वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी अगेन। सो कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45। तो आज का ये व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा जल्दी नींद से उठ गई हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों से मैंने लास्ट व्लॉग में कहा ही था, आज सुबह मुझे एक क्लाइंट का मेकओवर करवाने जाना है। और उसके अलावा आज मेरी पापा की डेथ एनिवर्सरी है, मतलब आज पूरे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे उनको हमें छोड़कर गए हुए। कैसे दिन गुजर जाते हैं मतलब पता ही नहीं चलता। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी से मैं नहा धो के आ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूर मुझे जाना है, तो थोड़ा सा हाथ में टाइम लेकर ही जाना पड़ेगा। और मेकओवर करवा के आने के बाद मैं मंदिर जाऊंगी। हमारे यहाँ पे एक मंदिर है गौरीपुर काली मंदिर, जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर ही चली जाऊंगी। पापा के नाम पे थोड़ा सा माँ को भोग वगैरह चढ़ा के आऊंगी, पूजा देख कर आऊँगी। तो चलिए आज का ये व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते रहिए। तो ये रही मेरी आज का पहला क्लाइंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिफ़ोर लुक ले लिया था और उसके बाद आफ्टर लुक ले लिया। एक्चुअली मैं आज ट्राइपॉड कैरी करना भूल गई थी, तो जिसकी वजह से पूरा शूट नहीं कर पाई। तो ये है गौरीपुर काली मंदिर, यहाँ पर ही मैं आई हूँ, मेरे घर के पास ही है, इजी हो जाता है जाना। तो चलो अभी जाते हैं उस पर। मंदिर के सामने ही एक ही दुकान था, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फल, अगरबत्ती, मोमबत्ती और ये जो मिठाई वगैरह मिल जाएगी। तो मैंने ये पेड़ा लिया था। अच्छा, बंगाली में तो इसे पेड़ा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे पेड़ा ही कहते हैं ना, बताना मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेड़ा और 5 तरीके की फल ले लिया था, उसके साथ अगरबत्ती और मोमबत्ती। परितोष दे मधुकुल्लो गुत्र है। यहाँ पर मैंने पुरोहित जी को मेरी पापा का नाम वगैरह सब कुछ कह दिया है। अभी पुरोहित थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे मेरी पापा की आत्मा की शांति के लिए, ताकि वो अभी जहाँ कहीं भी है उस उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये रही हमारे गौरीपुर की काली माँ, तो मैंने उनका भी थोड़ा सा आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ, देख लो। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, अभी घर चली जाऊंगी। पूरा पसीना पसीना हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है आज, और इसलिए जल्दी आ गई। अगर घर जाती ना, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, मंदिर भी बंद हो जाता। इस वजह से मैं पहले मंदिर आ गई, देन पूजा दे डाली, अभी जस्ट घर चली जाऊँगी। मैं घर आ गई हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने रोटी थोड़ा सा तेल में फ्राई करके दिया है और ये आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली अभी ब्रेकफास्ट नहीं है, ये डायरेक्ट मैं लंच ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी 1:45 गया है। अभी ये खाना खाऊँगी तो लंच तो वैसे भी नहीं खा पाऊँगी, तो ब्रेकफास्ट और लंच एक ही हो जाएगा आज का। और जल्दी जल्दी खाऊँगी, खाना खाने के बाद मुझे मेडिसिन भी लेना है, सुबह का मेडिसिन तो मिस हो गया, तो अभी दोनों एक साथ ही, मतलब दोपहर का और सुबह का खाना खाने के बाद एक साथ खा लूँगी। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो चलिए मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश होंगी, देन आप लोगों से बात। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, रेस्ट ले रही थी, और अभी बज रहे हैं 4:30। तो जैसे मैंने कहा था, आज पूरा दिन मेरा काम काम में ही गुजरेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बैग वगैरह सब कुछ, ये देखो ट्राईपॉड बैग वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है। सुबह ट्राईपॉड लेना भूल गई थी, लेकिन अभी याद करके मैंने ले लिया है। तो चलो अभी जाते हैं, 5:30 क्लाइंट आने वाली है, और अभी 4:30 हैं, आधा घंटा लगेगा यहाँ से सुजाता दी के पार्लर जाने में। तो चलिए जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं सुजाता दी की स्टूडियो पहुँच गई हूँ, और ये जो स्टूडियो है मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार दिखाया है, लेकिन पहले के लुक में और आज के लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि पहले क्या हुआ था, ये नया नया सुजाता दी ने लिया था, तो इतने अच्छे से मतलब स्टूडियो की तरह डेकोरेट नहीं किया था। तो आज जाकर मैंने देखा, काफ़ी अच्छे से सजाया है, स्टूडियो स्टूडियो ही बिल्कुल लग रही थी।
उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट को मेकओवर देना स्टार्ट कर दिया था। और आज पता है मैं मेकअप करते करते यही सोच रही हूँ कि किसी के लिए ना किसी की लाइफ रुकी नहीं पड़ती है। मतलब मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं, आज कितने साल हो गए। वैसे मेरी तरफ बहुत सारे लोगों की मम्मी पापा या फिर आसपास के लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन देखो हम उसकी वजह से ना जीना छोड़ नहीं सकते हैं। हमें अपना काम करना पड़ता है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हमें जीना पड़ता ही है, काम वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो आज पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग में ये सभी चल रहा था कि किसी के लिए ना किसी के लाइफ रुकी नहीं पड़ती। हाँ थोड़ा सा तो बुरा लगता है, ये दिन बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन लाइफ रुकती नहीं है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो मैं 10-15 मिनट पहले घर वापस आई थी और आके फ्रेश हुई। और आज ना पूरा दिन मैंने मेरे बच्चों को खाना नहीं खिलाया। सुबह मेरी सासू माँ ने सिर्फ दूध और रोटी खिलाई थी, जैसे कि हमारे घर पर आज भेज है सब कुछ इसी वजह से। तो यहाँ पर अभी देखा बाहर हमारे घर के पीछे मोचू बैठी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा बिस्किट देने आ गई। बहुत ज़्यादा भूखी है मोचू रानी बहुत ज़्यादा भूखी है। अगर मतलब नॉर्मल डेज होता है तो चिकन राइस देती है, लेकिन जिस दिन हमारे घर पर पूजा वगैरह होता है या फिर वेज खाना बनता है उस दिन दूध रोटी दे देते हैं मेरी सासू माँ। तो आज तो पूरा दिन सुबह से बिजी थी, मेरी सासू माँ ने दूध रोटी दी है। आते वक्त मैं बिस्किट खरीद के लाई थी सभी के लिए, लेकिन आते वक्त बेकार टुलटुल चिकन मतलब कोई भी मुझे नहीं मिला। शायद गली की वजह से कहीं दूसरी साइड पर मतलब इधर उधर कहीं छुपा बहता है। और आज देखो अचानक से ना शाम से ही वेदर चेंज हो गया है। सुबह से बहुत ज़्यादा धूप थी लेकिन अभी देखो शाम से वेदर चेंज हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। इधर मतलब इस साइड पर ना भी हो तो लगता है दूसरे साइड पे हो रही है, क्योंकि देखो कैसा वेदर हो रखा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई, आज एक ही पार्टी मेकअप था वो करवा के जल्दी जल्दी आ गई वेदर ख़राब होने की वजह से। मैं छतरी भी नहीं लेकर गई थी, अगर बारिश आ जाती तो आने में मुझे बहुत ज़्यादा रात हो जाती, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गई। थोड़ा सा बारिश होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी चाय यहाँ पर बिल्कुल बन के रेडी है। आज पूरा दिन तो ऐसा कुछ खाई नहीं हूँ ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा भूख लग गई है अभी। तो मैंने मेरे लिए और मेरी सासू माँ के लिए चाय बनाई है। मेरे लिए मैंने मिल्क टी बनाई है और मेरी सासू माँ के लिए ऐसे ही रॉ टी बनाई है, वो मैंने पहले ही दे दिया है। ये देखो मेरी बड़ी वाली ननद के घर से क्या आया है, मतलब उनके अपने खेत का ये छोटे छोटे से, इसे हम सफ़ेद बैंगन कहते हैं, हिंदी में भी शायद यही कहता होगा। ये सफ़ेद कलर के होते हैं अंदर से भी, और पकने के बाद ये पूरा सफ़ेद हो जाता है, इसकी वजह से हम इसे सफ़ेद कलर के बैंगन कहते हैं। और ये साग दी गई है। तो चलो अभी मैं मेरी रूम चली जाती हूँ, उससे पहले लाइट ऑफ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी रूम जाके एसी चल रही है, अच्छे से बैठकर खाऊंगी बोल रही हूँ। शाम को बोल रही थी ना कि बहुत ज़ोरों से शायद बारिश आने वाली है, तो फाइनली बारिश आ गई है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ मैं। एक्चुअली शाम को मतलब चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम वगैरह देख रही थी, और बिस्तर वगैरह का जो चादर है वो मैंने चेंज किया है बैठे बैठे। ये जो कपड़े वगैरह है वो ठीक ठाक करके रखा है, बहुत दिनों से मतलब ठीक ठाक करके नहीं रखा हुआ हो रहा था। और ऊपर से ये जो चादर है बहुत दिनों से बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी। और मम्मी के साथ भी थोड़ी सी बात हो रही थी, तो मम्मी ने मुझे एक पिक सेंड किया है व्हाट्सएप पर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखो आउट ऑफ फोकस हो रहा है, ये देखो ये जब मैं 4 साल की थी ना तब की ये पिक्चर है, मैं मेरी मम्मी और मेरे पापा। देखा कितना क्यूट सा पिक्चर है, फैमिली पिक्चर। और हम तीनों कितने ज़्यादा खुश हुआ करते थे तब। तो ये सब मम्मी मुझे सेंड की फ़ोटो और बोलने लगी कि देख तब तो कितनी ज़्यादा छोटी थी और मैं और तेरे पापा कितने ज़्यादा यंग थे। तो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, विंडो भी मैंने थोड़ा सा खोल दिया है, अच्छा हवा आ रही है और बारिश भी आ रही है। देखो
लेकिन ज़्यादा नहीं खोलती हूँ विंडो, क्योंकि मतलब ऐसे बारिश होती है ना, बहुत हवा होती है तो यहाँ से बारिश के छींटे आने लगते हैं। ये देखो बारिश के छींटे आके आके थोड़ा सा भीग भी गया है ये सब। शाम को चाय पी थी यहाँ पर बैठे बैठे, सब मैंने यहाँ पर ही छोड़ दिया। तो चलो गाइज, आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए आप लोगों से फिर से मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।